बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं अटेंडेंस शीट बनाने जा रहा हूं। अटेंडेंस शीट के बारे में मैं पहले भी आप कई वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन ये उससे डिफरेंट थोड़े चेंज करके अटेंडेंस शीट बनाऊँगा। और इसमें हमें परसेंटेज अटेंडेंस में क्या रही है और एब्सेंट परसेंटेज कितनी रही है वो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन करने के बाद सबसे पहले टॉप में पर सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ से मर्ज एंड सेंटर हेडिंग आ जाएगी। यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ ताकि कैपिटल के अंदर हेडिंग आ जाए। हेडिंग टाइप करने के बाद बाहर कहीं क्लिक, फिर दोबारा इसी हेडिंग के ऊपर आए, सेंटर अलाइन साइज, यहाँ से स्टाइल वगैरह चेंज करना है। स्टाइल राइटिंग कलर हाईलाइट सेल, इसके अलावा यहाँ पर नेम और डेट आ जाएगी। वीकली अटेंडेंस शीट ही बनाएंगे ये, 1 से लेके इसको 7 तक हम ड्रैग करके ले जाते हैं। या डेट की जगह नेम ऑफ कैंडिडेट कर देते हैं। इसको बड़ा कर लें डबल क्लिक। इसके बाद यहाँ पे डे स्पेस 1 और इसी को हम जितने दिन की बना रहे हैं अटेंडेंस ट्रैक करके ले जाते हैं। 10 डेज़ की बना रहे हैं, 10 डेज़ तक ले जाएं। और यहाँ से रॉ की हाइट को बड़ा करते हैं थोड़ा सा। इसकी फॉर्मेटिंग को अगर करना है चेंज तो वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद होम में यहाँ से आके इस तरह से सेंटर कर लें, अलाइन कर लें, मिडल बोल्ड या नॉर्मल अगर करना है तो फिर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के अंदर आ जाए। यहाँ से इसको नॉर्मल इसी तरह से लग रहा है, इसको भी सेंटर वगैरह कर लेते हैं, अलाइन बोल्ड। उसके बाद प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद टोटल डेज और इसके बाद एब्सेंट। इसको यहाँ कर लेते हैं एब्सेंट परसेंटेज और प्रेजेंट। स्पेस ये हेडिंग बन गई हमारी, इसको भी डबल क्लिक कर लेते हैं पूरा सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद व्यू में जूम टू सिलेक्शन और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर के बाद अब यहाँ जो हमें नाम टाइप करना है वो नाम इंटर करते हैं। कैंडिडेट नेम में सारे नेम आ जाएंगे हमारे और डेज जितने आ रहे हैं यहाँ पे। प्रेजेंट एब्सेंट लीव मार्क करनी है, इसी को प्रेजेंट करके मैं ट्रैक कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। इसको भी हम इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं। कहीं कहीं पे चेंजेस करनी है तो एब्सेंट वगैरह टाइप कर दें, लीव कर दें सिंपल। प्रेजेंट के लिए हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगाते हैं, रेंज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्रेजेंट करना है पी रेंज में पूरी। यहाँ गलती हुई है, रेंज में पूरी रेंज सेलेक्ट होगी यहाँ से यहाँ तक, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पी ब्रैकेट बंद। यहाँ देख लें अगर समझ में नहीं आ रहा तो इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद पूरी रेंज सेलेक्ट, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में प्रेजेंट निकालना है तो पी टाइप कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज। इसको ड्रैग किया यहाँ से हमने,
इसको भी सेंटर कर लिया है। यहाँ से डेज काउंट करने हैं, अगर हमें काउंट डे का फॉर्मूला लगाएंगे टोटल डेज काउंट करने के लिए, पूरी रेंज सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद, एंटर। 10 दिन की अटेंडेंस थी, सही है बिल्कुल, 10 दिन का यहाँ पे हमें बता दिया इसने। इसको सेलेक्ट करके इसका भी कलर चेंज कर देते हैं हम, यहाँ से इसको इस कलर में दे देते हैं। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इक्वल इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ। यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल करके प्रेजेंट सेलेक्ट डिवाइड डेज, एंटर। एंटर के बाद यहाँ पर ड्रैग करेंगे इस तरह से, देखें जो माइनस होगी वो 0.9 के हिसाब से यहाँ प्रेजेंट शो हो रही है। परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, और नंबर सेक्शन में दिया हुआ है परसेंटेज, इसके ऊपर क्लिक। तो ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। इसके अलावा जो एब्सेंट परसेंट है वो कितने हैं हमारे पास, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल 1 माइनस प्रेजेंट डिवाइड डेज, एंटर। 0% इसको ड्रैग करेंगे, तो इसको भी परसेंट के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ से आके परसेंट के साइन के ऊपर क्लिक, तो यहाँ पे जो एब्सेंट परसेंट होगी वो हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। इसको हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ जैसे फर्स्ट में तमाम ऑल जो हैं प्रेजेंट हो रहे हैं, यहाँ एब्सेंट कर देते हैं, तो देखें यहाँ पे डेज टोटल प्रेजेंट का पता कर रहे हैं हम, 9 हो गए, और यहाँ पे परसेंट 90 हुई तो वहाँ ऐड होगी 10% एब्सेंट रहे। और इसका टोटल फिगर देखना है अगर हमें, तो हम यहाँ पे आके हेडिंग दे देते हैं टोटल, इसको भी कलर कर देते हैं हम, सेंटर बोर्ड। यहाँ पे आके सम फॉर्मूला लगाते हैं इसको प्लस करने के लिए, ऑल्ट इक्वल शॉर्टकट की, जिस रो की कॉलम की वैल्यू को प्लस करना उसके लास्ट सेल के ऊपर रखेंगे, और ऑल्ट इक्वल दबाएंगे, सम रेंज सेलेक्ट होगा, एंटर। और इसको फिर इस तरह से ड्रैग करें, और इन फॉर्मूले को जो परसेंटेज के अंदर कैलकुलेशन की थी इसको भी हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। कलर तो इस तरह से देखें हमारे पास 95 और 5%, जितने हिसाब से ये भी ड्रैग करने के बाद हमारे पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा कितने परसेंट इस 10 डेज के अंदर प्रेजेंट हुए और एब्सेंट हुए। और अगर इस तरह देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हर इस एम्प्लॉय के एब्सेंट और प्रेजेंट कितने परसेंट रही है वो हमारे पास रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। वीडियो की प्रैक्टिस करें, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। शाह इस्लाम को भी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।